चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा मोमो क्या बात है आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है हाँ जी मैं बहुत वो हो रही हूँ वो क्या वो जो बैठे बैठे हो जाती है सुस्ती नहीं वो जब कोई काम ना करो तो होती है ना वो हरामखोरी अरे यार मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या हो रहा है मोमो इतने साल हो गए हमारी शादी को तैमूर और आज तक आपको यही नहीं पता चल सका कि मुझे क्या हो रहा है अरे भाई कुछ बताओ कि तो पता चलेगा ना कि तुम्हें क्या हो रहा है ला इतनी देर से बता तो रही हूँ आपको मोमो सुबह सुबह मुझे बोर मत करो यार हाँ बोर बोर बोरियत मुझे बड़ी बोरियत हो रही है मसाऊद महमूद महमूद को भी हो रही है अरे महमूद मेरा नाम है यार हाँ तो आपको भी हो रही है बोरियत हाँ मोमो अगर हमारे पास पैसा होता ना ढेर सारा तो हम कभी बोर नहीं होते बंदा घर में बैठे बैठे बोर ही होगा ना करने को कुछ है नहीं ना तो आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं मोमो नौकरी करने से बेहतर है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर होता रहूं हाँ तो पुत्र अंदर जाके सो जाए इसमें रोने वाली क्या बात है तेरा नाम सोना है माजी हाय तो तू इसलिए रो रहा है सुने जी अभी और इसी वक्त मेरे पुत्र का नाम चेंज करें माजी सोना इसलिए नहीं रो रहा ना तो फिर किस लिए रो रहा है माजी हम गली में बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वो बॉल बराबर वाली आंटी के घर गया और उनने रख लिया और मुझे डांटा भी और थप्पड़ भी मारा जोर से क्या तुम्हें थप्पड़ मारा हाँ मैं मुझे बहुत जोर से मारा आए उस खटिया औरत की ये जुरत कि मेरे पीतल को हाथ लगाए मैं उसका वो पी जाऊंगी वो क्या वो जो लाल रंग का होता है शरबत और वो जो चोट लगने से बाहर निकलता है माँ जी चोट से याद आया जब उनने मुझे मारा था मेरे दांत से खून भी निकला था हाँ खून मैं उस डैन का खून पी जाऊंगी मोमो खुदा के लिए ये मत करना तुम खून पीती हुई बहुत अजीब सी लगोगी यार और हट जा मेरे रास्ते से मकसूदे मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं ओए लोहे ये हॉकी मुझे दे बैठ माजी हाँ मेरे पुत्र बैठ ये हॉकी मुझे दे साहब यार ये माजी को क्या हो गया पता नहीं ऐसी ओवर एक्टिंग कर रही है ओए कहाँ है वो माई की लाल जिसने मेरे हीरे को थप्पड़ मारा है ओए मैं तेरा खून पी जाऊंगी किधर छुप गई है तू मर्द की बच्ची है तो सामने आके लड़ मुझसे ओए मेरी बीवी ने मारा तेरे बच्चे को बोल क्या बात है अस्सलाम वालेकुम भाईजान आए कभी हमारे घर भी आप हैं ज्यादा कुट तो नहीं लगाई उस औरत को ओए मैं तो अपनी जान बचा कर आई हूँ क्या मतलब उस बेशरम औरत ने अपने मियां को भेज दिया था लड़ने के लिए क्या और वो तो शक्ल से ही बदमाश लग रहा था अरे ऐसी की तैसी उस बदमाश की मुझे ये बताओ उसने कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की नहीं जी मैंने उसको मौका ही नहीं दिया मैं फौरन भाग के अंदर आ गई शाबाश मोमो ये तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन मैं उसको बोल कर आ गई हूँ कि अभी अभी मेरा मियां बाहर आके तेरी टांगे तोड़ेगा हाँ जी अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोमो अरे जरा सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो जरा सी बात कहते हैं आप उसकी बीवी ने मेरे लोहे को चमाटा मारा है आप जाके बदला ले उसके शोर से जाएं ऐसे घटिया लोगों के बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहिए हाँ हम अंदर चलते हैं खबरदार जो अंदर जाने को कहा बाहर पूरा मोहल्ला जमा है वो बदमाश आपका वेट कर रहा है हाँ जी भल्ले वालों के सामने मेरी नाक ना कटा देना ये ले हॉकी और जाए उसके सर पे मारे आप जाते हैं या मैं हॉकी आपके सर पे मारूं जा रहा हूँ मोमो जा रहा हूँ मोमो तुम डॉक्टर को फोन करके बुला लो दफा करें जी उसकी बीवी खुद ही बुला लेगी डॉक्टर को आप जाएं जा रहा हूँ रब रखा
ये गंडासा तो ले जाए। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। हाँ शाबाश। आए, आए, अरे अरे भाई आराम से, अरे अरे ये नरम जगह पे क्यों मार रहे हो यार। साहब आपको किसने कहा था मोहल्ले में जाके झगड़ा करें? अरे झगड़ा मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया था। क्या? मैं तो सिर्फ कुट खाने घर से बाहर निकला था। ओ माँ जी, आपने उस आदमी से झगड़ा किया था? और नहीं पुत्र, मैं तो उसकी बीवी से लड़ने गई थी, पर उस कटिया औरत ने अपने मियाँ को बाहर भेज दिया। अरे झगड़ा किसका किसके साथ हुआ, कोई बताएगा भी? पुत्र लोया और कासी गली में ना हॉकी लेकर तो फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी टेनिस वाली बॉल बराबर वालों के घर चली गई, तो उस पड़ोसन ने क्या किया कि बजाय इसके वॉलीबॉल उनको वापस देती, उन्होंने रख ली अपने पास। क्या? हाँ, जब मेरा लोया अपनी बास्केटबॉल उनसे वापस मांगने गया ना, तो उसने बजाय बेसबॉल वापस करने के लोहे के मुंह पर चपेट लगा दी, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मकसूद को बाहर भेज दिया कुट खाने के लिए। महमूद साहब आप वैसे हद ही करते हैं, उस आदमी ने आपकी इतनी टुकाई की, आपने मुझे एक दफा आवाज नहीं दी, मुझे बुलाते मैं देखते उसका हाल क्या करता। नबील मुझे पता है उस बदमाश का घर कहाँ है, बताऊ? ओ महमूद साहब छोड़े यार, मैं अब झगड़ा बढ़ाना नहीं चाह रहा, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं नहीं चाहता वो यतीम हो जाए। हाय कितने रहम दिल हो तुम नबील। थैंक यू महमूद साहब। अरे बस भी करो, जाओ मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आओ। वो जो आपके लिए लाना है वो एक गिलास दूध है? हाँ जी, हल्दी डाल लेना। हल्दी भी डालनी है? अच्छा हाँ, थोड़ी सी ना, दो चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। अच्छा। क्योंकि अंदरूनी चोटें लगी है ना महमूद साहब को बहुत ज्यादा। चुटकी डालते हैं। वैसे माँ जी को गली में इतना शोर मचाकर तमाशा नहीं लगाना चाहिए था नबीन। अरे जानू वो क्या करती है यार, उनके बेटे को थप्पड़ लगाया था उस बदतमीज औरत ने। तो गलती सोने की थी ना नबीन, वो क्यों गली में क्रिकेट खेल रहा था? वो अकेला नहीं खेल रहा था, तुम्हारी बेटी चांदी भी उसके साथ खेल रही थी। हाँ तो गलत है ना। खुदा का नाम मानो, बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो गई है, वो घर से कहीं बाहर ही नहीं निकले, क्या करेंगे वो? और वैसे तुम कहे तो ठीक रहे हो नबी, हमें कई बच्चों को लेकर जाना चाहिए। हाँ जानू, दो तीन दिन के लिए ही सही, ये बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन पैसे? पैसों पैसों की फिक्र मत करो जानू, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। क्या? हाँ जानू। पर कैसे? भाई अपने पापा को फोन करो, उन्हें बोलो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आजकल कोई मसला थोड़ा है। क्या? जरूर देर मत करो, तुम पापा को जल्दी से फोन करो, मैं अभी घर वालों को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। ओके। माँ जी महमूद साहब आज वो। पापा अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। नबील तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी खुश कर दूंगा सोने, फिक्र तू करता है मेरे बबलू बबलू। क्या हुआ फिर? ओ माँ जी, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तूने उस बदमाश को जान से मार दिया है। कौन बदमाश माँ जी? जिसने मेरे मियाँ की कुट लगाई थी। ओ माँ जी, लानत भेजे इस आदमी पर यार। यार नबील क्या खुशखबरी है, बता भी तो दो। खुशखबरी ये है मेरे प्यारे सोने कि हम दो तीन दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं। क्या? अरे लेकिन दो तीन दिन के लिए घूमने कहाँ जाएंगे भाई? हम मरी मरी घूमने चले जाएंगे महमूद साहब, वैसे भी हमारे बच्चे घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, क्यों बच्चों आपको हवा लगवाऊं? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे नबील? खूबसूरत के पापा देंगे, और कौन देगा महमूद साहब? और खूबसूरत फोन करके अपने पापा से पैसे मंगवा रही है, ये लो खूबसूरत आ गई तालियां, खूबसूरत के लिए तालियां। ये बताओ जानू कि हम लोग मरी जा रहे हैं या नारायण का बाग? कहीं भी नहीं। क्यों जानू? क्योंकि पापा ने पैसे भेजने से इनकार कर दिया। क्या मतलब उनकी ये जुर्रत? शट अप नबील, उनके पैसे हैं उनकी मर्जी। तो हमारा मूड क्यों बनाया फिर? जानू मैंने सबको कह दिया है कि हम जा रहे हैं घूमने, तो हम जा रहे हैं, अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। तो क्या करोगे? हम लोग सब अपने अपने पैसों से घूमने जाएंगे, क्यों महमूद साहब? जो हम सब अपने अपने पैसों से जाएंगे वो घूमने जाएंगे। हाँ जी,
और खूबसूरत के पापा को हम ये बताएंगे कि हम उनके पैसों के मोहताज नहीं है, नहीं है, नहीं है। वशी। ले आओ जिसके पास जितने पैसे हैं ले आओ, आज फैसला होगा बल्कि अभी होगा कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। तुम लोग इधर आओ दोनों मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने अपने अपने गुल्लक लेके आने हैं, हमने आज आप लोगों के गुल्लक तोड़ देने हैं। जाओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए। जानू आ जाओ, तुम्हारे वाले पैसे एहतियातन मैंने पहले निकाल लिए। ऐसे ऐसे एहतियातन आ जाओ, आ जाओ जानू, आ जाओ, टेंशन ना लो, आ जाओ आ जाओ, आज वो आज वो। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि जब हमें अपने ही पैसे खर्च करने तो क्यों ना हम घूमने के लिए दुबई चले। कैसा दुबई? क्यों, फिर हम अमेरिका चलते हैं। सारे ARY वाले छुट्टियां गुजारने तो अमेरिका गए हुए हैं। अरे चुप करो मोमो, ये सारे पैसे मिला के हम हैदराबाद तक भी चले गए ना तो बड़ी बात होगी। नबील कितने पैसे हुए? जानू ये 9,300 रुपए बन रहे हैं रेजगारी हटाकर। ना तो पुत्र रेजगारी भी गिन लेना, 1.5-2 लाख की तो होगी ये भी। क्यों माँ जी, ये सोने के सिक्के हैं। यार नबील, तो क्या अब हम घूमने नहीं जाएंगे? यार सोने, इन पैसों से सिर्फ समंदर पर पिकनिक मनाने जा सकते हैं। चलो यार मरी ना सही, हॉक्स बे सही, कहीं ना कहीं तो चले ना। हाँ पुत्र, अब मेरी भी जिद है, इसके बाप को तपाने के लिए हम सब पिकनिक पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है बाजी, लेकिन उसके लिए हमें खाना वाना घर से लेके जाना पड़ेगा। है? ये ठीक है मोमो, तुम कोई खाना बना लो और खूबसूरत तुम कोई मीठा बना लो, रोटियां हम बाहर से लेके चले जाएंगे। जानू सही है, माँ जी खाना बना लेती है, तुम मीठा बना लो। और तुम क्या बनाओगे? जानू मैं पिकनिक पे जाने का मूड बनाता हूँ ना जब तक। चले माँ जी खाने की तैयारी करते हैं। खाना खा कर जाएंगे? अरे मेरा मतलब है खाना बनाने की तैयारी करते हैं। वो जो खाना बनाने की करनी है वो तैयारी है? हाँ जी। अच्छा जी, और मोमो पिकनिक पे जाने से पहले ना सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह लॉक करके चाबियाँ संभाल के रख लेना। आप फिक्र ही ना करें। हाँ मैं सब जब तक हम पिकनिक के लिए सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। वो जो हम पिकनिक के लिए पैक करेंगे वो सामान होगा? हाँ जी। अच्छा जी। यार नबील, मैं अपना बैट और बॉल ले लूं, चांदी और मैं वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। हाँ हाँ रख लो रख लो। आयशा वशे। यार ये बाकी सब कहाँ रह गए हैं? आज वो बच्चों, आज ही आज वो, आज देरों में देरों में। अरे यार अभी तुमसे दरवाजा भी खुल रहा है यार। अरे ये तो वाकई नहीं खुल रहा। दरवाजा लॉक तो नहीं है? दरवाजा लॉक कौन करेगा जानू? पुत्र मैं। हाँ जी आपने तो कहा था पिकनिक जाने से पहले दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह लॉक कर लेना। अरे मोमो वो तो मैंने कहा था कि बाहर निकल के लॉक करना। है? अरे चाबियाँ कहाँ हैं? वो तो मैंने बहुत संभाल के रखी हैं। ओ माँ जी चाबियाँ हैं कहाँ? वो पुत्र मैं तो रख के भूल गई हूँ। क्या? लेकिन तू फिक्र ना कर, मैंने चाबियाँ जहाँ भी रखी है ना बहुत संभाल के रखी है। अब क्या करें नबील? करना क्या है यार, महमूद साहब चले चल के चाबियां ढूंढे यार। चलो चलो यार, चलो यार, यार टोपी है यार, चलो आज वो आज वो आज वो दस वो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते
चलता जा कोई आए जाए चलता जा। ओए आज वो है आज वो ओए यार मैंने तो घर का कोना कोना छान मारा है। अरे मैं तो बाथरूम की नालियां तक देख आया हूँ। किस अकलमंद ने माँ जी को ये जिम्मेदारी का काम लगाया था? ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या शोर डाला हुआ है और ये इतने थके हुए क्यों हो तुम लोग? मामा ये शो अगर बच्चे ना देखते होते तो तब मैं तुम्हें बताता कि हम क्यों थके हुए हैं। है? ओ मैमू सब दफा करें यार, माँ जी को कुछ और सोच लेते हैं यार। नबील माँ जी को तो याद आना नहीं है, ऐसा करो किसी चाबी वाले को बुलवाओ उसे लॉक खुलवा लेते हैं। हाँ ना महमूद साहब, अगर पिकनिक पर नहीं गए तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वो जो इन बच्चों का टूट जाएगा वो दिल है। हाँ जी महमूद साहब, ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, किसी चाबी वाले को बुलवा ही लेते हैं। ना चाबी वाले को क्यों पता है? वो इसलिए माँ जी कि आप चाबियां कहीं रख कर भूल चुकी हैं। ना तो चाबी वाला आके चाबी ढूंढेगा? नहीं, नई चाबियां बनाएगा। ना नई चाबियों से क्या होगा? दरवाजा खुल जाएगा माँ जी, और क्या होगा? ना तो हमारे पास नई चाबियां कितनी पड़ी हैं, उनसे खोल ले। माँ जी वो घर के दरवाजे की चाबी नहीं है यार। तो घर के दरवाजे की चाबी कहाँ है? अरे इसे छोड़ो नबील, तुम चाबी वाले को फोन करो यार। तो गया भाई, है किधर गया भाई? सिकंदर चरसी कदीना मरसी, मिल गया। अरे तुमने क्या उससे चरस मंगवानी है? ओ नहीं महमू साहब, ये चाबी वाला है यार, इसको सब चरसी कहते हैं। ये चरस पीता है? ओ नहीं जानू, उसे देख के लगता है कि ये चरस पीता है। किसे लगता है? जानू जो लोग इसे चरस पीते हुए देखते हैं ना उन्हें लगता है। व्हाट? हेलो, हाँ ओ सिकंदर चरसी बोल रहा है। ओ सुन, हेलो, ओ मेरी बात सुन, नबील बोल रहा हूँ बुलबुले वाला। तुझसे बड़ा जरूरी, ओए सुन तूने लगाई तो नहीं हुई, ओ बड़ा जरूरी काम है तुझसे भाई। सुन ओ भाई तू मेरे घर पे आ जा, बताता हूँ, तू आ तो सही मेरे घर, तो आ। ओके ओके वो आ रहा है। नबील उससे कहना घर में ना पिए। ओ यार कैसी बातें कर रही हो जानू, वो पी कर आ रहा है। आप खाएं माँ जी, आप छोड़े फिक्र, आप टेंशन ना लें। कौन? अरे नबील भाई मैं सिकंदर, दरवाजा खोले। अबे दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा है? ओ भाई तो मैं अंदर कैसे आऊंगा? और तुझे अंदर आने के लिए नहीं बुलाया भाई। तू क्या बाहर से ही चला जाऊं? और क्यों पकार है, ये दरवाजा लॉक है, इसकी चाबी गुम गई है, तो मैं चाबी बनाने के लिए बुलाया भाई। अरे चाबी बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा नबील भाई। अरे तो दरवाजा तो खोल देना। ओए चरसी कदी ना मरसी। अरे दरवाजा तो अंदर से ही खुलेगा ना, मुझे पहले अंदर तो बुलाओ। अबे दरवाजा खुलेगा तो तू अंदर आए ना। मुझे मुझे लगता है इसने चार पांच पिए हुए हैं ना। हैं यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ओ खुदा का वास्ता है तुझे, ओ कुछ कर दे। अच्छा चलो कुछ करता हूँ, देखते हैं। ओ क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है? दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नबील भाई, और क्या करूंगा? अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, दरवाजा तोड़ना नहीं है खोलना है। करता हूँ यार कुछ। कोई फायदा नहीं, सारा दिन गुजर चुका है, शाम होने वाली है, बच्चे भी सो गए हैं। कोशिश कर रहा है। अरे इतनी देर में तो पूरा दरवाजा खुल जाता है, उससे एक लॉक नहीं खुला। नहीं भाई नहीं, बस मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो भाई खाना लगाओ। चलो अभी खूबसूरत चल के खाना खाते हैं। ओ यार मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई है। वो जो तुम्हें बहुत लगी हुई है वो भूख है? हाँ जी। तो आओ ना फिर। आओ, आओ, आज वो, आज वो, चलो, आज वो, चलो 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 सब खाना खाते, चलो चलो आओ ना। हाँ।
माँ जी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ यार, ना आप चाबियां रख के भूलती ना हमारी पिपे खराब होती। पुत्र मुझे क्या पता था कि मैं चाबियां रख के भूल जाऊंगी। हद करती हो वैसे तुम मोमो। क्या हुआ, कोई हड्डी आ गई है मुँह में? नहीं, मुझे याद आ गया कि मैंने चाबी को ना खाने की डेगची में डाला था। What? अब आपको कैसे याद आ गया माँ जी? ऐसे ओए खबरदार, जो एक नवाला भी अब किसी ने खाया हो चलो पिकनिक। चुपे बच्चे की टांग तोड़ दी है। अरे मैंने कौन सा इसे लोहे की बॉल मार दी है जो इसकी टांग टूट गई है। टांग महमूद साहब, यार ये आपने क्या कर दिया, ये आदमी पहले ही किसी काम का नहीं था, अब तो घर का सौदा भी नहीं लाएगा। ओ यार जानू, खुदा का नाम मानो यार, इधर तुम्हारे शौहर की टांग टूट गई और तुम्हें सौदा लाने की पड़ी हुई है यार। तूने मेरे पुत्र की टांग तोड़ के ना उसको अन्ना कर दिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी मुनव्वर। चलो उठ, झाड़ू लगा। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा भाई। तो फिर निकल जा इस घर से, मैं तुझे मुफ्त की डबल रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी। मेरा बिया हमें छोड़ के चला गया। ये वाला भी? हाँ। मूसा मर गए क्या? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पास।